आसनसोल लोकसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में टीएमसी की गुंडागर्दी चरम पर है। टीएमसी के विधायक भाजपा समर्थकों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, भाजपा को वोट देने वालों को बर्बाद करने की चेतावनी दे रहे हैं और जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा समर्थकों को मारा पीटा गया था, कुछ लोगों की हत्या की गई थी, उसी तरह इस उपचुनाव में भाजपा को वोट देने वालों को भी परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के भाजपा सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती भाजपा को वोट देने वालों को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें भाजपा को वोट देने वालों को धमकी दी जा रही है कि अगर किसी ने भाजपा को वोट दिया तो इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। बोलबे अपनी जी वोट दीते जान हमरा धरने वो बीजेपी वोट देबेन वोटेर पर आपकी कोथाय थाकबेन से अपना निजे लेख आज जी वोट दीते ना जान हमरा धरने वो आपने हमारे समर्थन করছেন আপনি ভালোভাবে থাকুন ব্যবসা করুন বাণিজ্য করুন চাকরি করুন আমরা আপনার সঙ্গে আছি। अमित मालवीय ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस धमकी वाले वीडियो के बाद पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र चक्रवर्ती पहले दुर्गापुर जिला परिषद के अध्यक्ष थे, इसके बाद उन्हें पंडवेश्वर का टीएमसी ब्लॉक प्रमुख बनाया गया और फिर इस क्षेत्र के विधायक बने। उन्हें कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। चक्रवर्ती का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और ममता बनर्जी अब इसका इस्तेमाल चुनाव में भाजपा समर्थकों को धमकी देने के लिए कर रही हैं। दरअसल बाबुल सुप्रियो के भाजपा छोड़कर टीएमसी में जाने के बाद आसनसोल लोकसभा सीट खाली हो गई है। इसके लिए 12 अप्रैल को उपचुनाव कराया जाना है। टीएमसी ने यहाँ से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है जबकि भाजपा ने अग्निमित्र पाल को उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी अब शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देकर फंस गई हैं क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में बाहरी का मुद्दा उठाया था, अब वही मुद्दा यहां पर उनके खिलाफ जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के हैं जिसके कारण टीएमसी के समर्थक भी अग्निमित्र पॉल के साथ जुड़ने लगे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब धमकी देने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह भाजपा के समर्थकों के खिलाफ हिंसा की गई थी, उसी तरह की वारदात की चेतावनी देकर भाजपा के खिलाफ डर का माहौल तैयार कर रहे हैं। टीएमसी के विधायक ने जिस तरह खुलेआम चुनाव परिणाम के बाद की धमकी दी है, उससे ये साफ होता है कि ममता बनर्जी की सरकार हर चुनाव में कुछ ऐसा ही करने वाली है। इसलिए इस उपचुनाव में चुनाव आयोग को राज्य की पुलिस के बदले केंद्रीय सुरक्षा बल का उपयोग करना चाहिए ताकि सही तरीके से चुनाव हो सके और नरेंद्र चक्रवर्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे लोगों को अपनी सुरक्षा का भरोसा हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।